जलंधर के लाजपत नगर नेड़े शरारती अंसरां ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के फ्लैक्स बोर्ड पाड़ दिए। पुलिस ने इस मामले के आईपीसी की धारा 295 ते 34 जोड़ी है। पुलिस ने बेअदबी के दोषियों की पछाण करने के लिए सीसीटीवी फुटेज कब्जे के ले ली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर ही पुलिस को जानकारी दिंदया गुरमीत सिंह ने दसाया कि हाल ही के उन्होंने वालों पूरे शहर में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के फ्लैक्स बोर्ड लगाए गए सन। इस दौरान लाजपत नगर के आले दुआले लगे बोर्डा नुकसान पहुंचाया। शरारती अंसरां ने फ्लैक्स बोर्ड पाड़ दिते अते श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दीयां तस्वीरां दी वी बेअदबी कीती। इस संबंधी जदों पुलिस नूं शिकायत दित्ती गई तां पुलिस ने मामले की जांच करन उपरंत मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने एक सीसीटीवी भी कब्जे दे विच लई है जो तुसी देख रहे हो, जिसके आधार ते मामले की जांच की जा रही है। सिख भाईचारे ने कहा कि यह फ्लैक्स बोर्ड लाजपत नगर नेड़े लगाए गए सन, जिसते श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की फोटो लगाई सी। दोषी इन्ने चलाक सन कि वह बेअदबी दे लई सड़क के उपर नहीं सगो बोर्ड के पिछे गए अते उस तो बाद बोर्ड पाड़ दिता तां जो सीसीटीवी दे विच ओह कैद ना हो जाने, जिस तो बाद गुरु साहब जी की फोटो काफ़ी देर तक जमीन पर पई रही। पर जो तो पुलिस ने कुछ होर सीसीटीवी की तलाशी ली तो एक सीसीटीवी विच मुलजम बोर्ड पाड़दा होया नज़र आ गया। दस दिए कि एक घटना 2 जनवरी की दसी जा रही है। जो इस बारे सिख कौम के आगुआं नूं पता लगा तो उन्होंने इस विरोध में प्रदर्शन भी किया, जिस तो बाद पुलिस ने मौके पर पहुँच के किसी तरह सुसायटी समझाया और कार्रवाई करने का भरोसा दिता। सबसक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नैवर मिस एन अपडेट।